दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वोरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 के 27 नक्षत्रों पर मैंने अपने विचार अब वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। तो आप सबसे पहले अपने जन्म के नक्षत्र को जानिए कि वो कौन सा जन्म का नक्षत्र है आपका, जिसमें आपका जन्म हुआ है। आप अपने जन्म के नक्षत्र की वीडियो को अवश्य देखें, सुने। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आप अपने जन्म नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो एडवांस वीडियोस मैंने अपने सभी मेंबर्स के लिए बनाई है। आप उस एडवांस वीडियो का लाभ उठाइए। कैसे? ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके चैनल के मेंबर बनिए और मेडिटेशन और मंत्र की चैंटिंग के माध्यम से सारा मेथड मैंने उसमें आपको बताया है कि किस प्रकार से आप लोग अपने जन्म की नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि कन्या लग्न में जो लग्नेश है, लग्नेश कौन से हैं? इसमें बुध। तो लग्नेश बुध 12 के 12 जो हमारे ये भाव है उसमें किस प्रकार का एनर्जी देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में यह 6 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली किस चीज से कहलाएगी? कन्या लग्न की कुंडली कहलाएगी। तो अगर आपने मेरी अभी वो वीडियो कि कन्या लग्न वाले लोग कैसे होते नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो जरूर देखें कि कन्या लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब बुध हमारे लग्नेश किसको कहते हैं, पूरी कुंडली में अगर ये 6 नंबर का अंक हमारा मेन मतलब पहले भाव में लिखा हुआ है तो ये है हमारी कन्या लग्न की कुंडली। और इसका लग्नेश मतलब इस पूरी लग्न का जो राजा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लग्नेश। और वो कौन हुए? बुध। अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बुध है क्या, मतलब बुध किस प्रकार का हमारे जीवन में रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बुध है हमारी बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता। बुध है हमारी बोलने की ताकत, किस प्रकार से हम लोगों से बातचीत करते हैं। बुध है कला के क्षेत्र का मालिक, मतलब एक बहुत बड़ा कलाकार बुध है। जितने भी एक्ट्रेस आप देखते हो तो वो क्या है, जो अच्छी एक्टिंग करते हैं वो कौन किस श्रेणी में आते हैं, उनका बुध बढ़िया क्वालिटी में पड़ा हुआ होता होगा। तो ये चीज आप मान के चलिए कि बुध जितनी भी तरीके की बोलने का ढंग है, जैसे इनके अंडर में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे वकील होते हैं, जो वकील बहुत अच्छे से अपनी बातचीत को रखते हैं और किसी भी चीज को चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हर तरीके के केस में महारत हासिल होती है उन लोगों को अपनी बात रखने की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका बुध अच्छा है। अगर आप देखते हो कि सेल में बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को जब बेचते हैं तो उनकी बोलने का ढंग या प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का ढंग बहुत जबरदस्त होता है। तो ये सारा सिस्टम कहां से आता है? बुध से आता है। और अगर आप अकाउंट्स वगैरह की नॉलेज रखते हो या अकाउंट्स की फील्ड में जाते हो या कोई अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट है तो ये अकाउंट्स के जितने भी डिपार्टमेंट है ये सब बुध के अंडर में आते हैं। अच्छे पत्रकार, अच्छी कविताएं लिखने वाले लोग और जो भी हैंडराइटिंग से संबंधित काम है ये सब किस चीज में आते हैं? बुध की श्रेणी में आते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कन्या लग्न में जब लग्न का राजा लग्नेश कहां होगा, उसके प्रथम भाव में होगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जहां पर बुध उच्च के होते, उच्च का मतलब ये होता है कि हायर एनर्जी लेवल पर होते हैं, तो यहां पर पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक व्यापारिक बुद्धि वाले बुद्ध है, मतलब मैच्योर बुद्ध है। इनके लिए गए डिसीजंस बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो जब लग्न में बुध आते हैं कन्या लग्न में तो ये व्यक्ति को कैसे बताते, एक अच्छा बिजनेसमैन बनाते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी जो बात करने का कौशल है वो क्या करता है, सामने वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। किस मामले में? बिजनेस के मामले में। हर चीज, जैसे इनका बहुत बड़ा सर्किल है या कुछ है, अगर ये एक स्पीच दे देते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से अगर ये लोगों को कन्विंस करते हैं तो इनको अपनी प्रोडक्ट को बेचने की बहुत अच्छी क्षमता हासिल है। और ये इनके जो बात करने का ढंग है, मीठी वाणी, मतलब इनकी जो वाणी है
वो बहुत ही पॉजिटिव होती है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो इनके प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये है यहां बुध की ताकत। जितना भी बिजनेस ये लोग करते हैं, जिस तरीके से भी ये लोग काम करते हैं, इनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आना शुरू हो जाता है। तो यहां पर बुध की जो प्लेसमेंट है वो बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट है। अब देखिए बुध की दृष्टि कहां जा रही है, बुध की दृष्टि जा रही है हमारे सेवेंथ भाव पे, और वो कैसी दृष्टि है, यहां पर बुध जो है थोड़ा कमजोर बुध है। अब यहां पर अगर आप देखोगे ये जो सातवां हाउस है जहां पर इनकी ये दृष्टि जा रही है वो किसका है, हमारी स्पाउस का हाउस है, इनकी इनकी स्पाउस का होता हाउस है, या फिर कहें आप हमारे बिजनेस पार्टनर का हाउस भी है। तो जब इनकी ये दृष्टि यहां पर जाती है तो यहां पर इनकी ये दृष्टि कमजोर दृष्टि कहलाती है, मतलब इनके जो संबंध है वो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होते अपनी स्पाउस के साथ, इस तरीके की इनकी दृष्टि। इसी तरीके से पार्टनरशिप के जो बिजनेस है वो भी इनको बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। तो इनको क्या होता है कि ये जितने भी कार्य करें, चाहे अपनी कितनी भी बड़ी टीम बनाए, अपने नीचे कितने सारे लोग रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको सारे काम कैसे करने हैं, अपने ऊपर काम करने हैं, मतलब जिसके ये बॉस हो। तो ये सबसे बड़ी इनकी बातचीत यहां पर होती है। अब देखिए बात करेंगे हम लोग आपसे जब बुध मतलब लग्न के स्वामी सेकंड हाउस में आते हैं तब क्या होता है। तो जब लग्न के स्वामी मतलब लग्न का स्वामी हो गए बुध, तो लग्नेश है हमारे बुध, जब लग्नेश सेकेंड हाउस में आते हैं तो सेकेंड हाउस किस चीज का है, हमारा पैसे से संबंधित हाउस है, कुटुंब से संबंधित हाउस है, और हमारी बोलने चालने की भाषा का, और वो कौन सी भाषा है, जैसे हम आम तौर पर घर में इस्तेमाल करते हैं उस तरीके का ये हाउस है। तो जब यहां पर आते हैं तो मिलन राशि किसकी है, शुक्रदेव महाराज की, तो शुक्र इनके परम मित्र हैं। तो यहां पर बुध के पास किस किस चीज की जिम्मेदारी है, बुध के पास आपके अकाउंट्स की जिम्मेदारी है, मतलब आपका अकाउंट बैलेंस बढ़िया होता रहे, आपका बिजनेस अच्छा चलता रहे, इस तरीके की जिम्मेदारी को लिए हुए होते हैं यहां बुध। तो यहां पर जब लग्नेश का संबंध किस चीज से बनता है, सेकंड हाउस से बनता है, तो हमारा जुड़ाव किस साइड रहता है, हमारा जुड़ाव रहता है पैसे की तरफ, मतलब हमारी हर कोशिश हमारा हर आइडिया किस चीज की तरफ जाकर रुकता है, किस तरीके से हम पैसे को अर्न करें, रुपए को अर्न करें। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है, और बुद्धि का स्वामी होता है तो नए नए प्रकार के आइडियाज यहां आते रहते हैं। शुक्र का यहां इन्हें बहुत पॉजिटिव प्रभाव मिलता है, मतलब जितनी भी तरीके की सजाने से संबंधित चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इस प्रकार की भी कर सकते हैं कि अगर ये चाहे तो इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, अकाउंट से संबंधित मामला हो गया, तो यहां पर जितने भी टाइप के बुध से संबंधित वर्क है ये भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इनकी दृष्टि कहां जा रही है, एर्थ हाउस पर जा रही है, और वहां मंगल की राशि है, तो मंगल से इनके संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। तो इनका जो विवाद रहेगा वो किस चीज में रहेगा, आप जितनी भी तरीके के पुराने भवन देखिए जिसके माता पिता की कोई प्रॉपर्टी है, तो वहां इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात रहेगी। तो वहां इनको ये कहा जाता है कि देखिए आप मालिक है बुद्धि के, बोलने के, तो आप अपनी तरीके से ही पैसा अपना अर्न कीजिए, किसी और की तरफ बिल्कुल भी ना देखें। और जब मंगल से इनका यह संबंध बनता है तो क्या हो जाता है कि थोड़ी चोट वगैरह लगने की भी इनको संभावना रहती है। अब आप देखिए वीडियो को जिसका जो भी लग्न आता चला जाए लग्नेश का, तो वो वहां लाइक जरूर करता चला जाए। तो देखिए नेक्स्ट में बात करूंगा आपसे, जब लग्नेश हमारे आते हैं थर्ड हाउस पे, लग्नेश थर्ड हाउस पे आएंगे, अब क्या होगा, थर्ड हाउस हमारा किस चीज का है, पराक्रम का हाउस है, और बुध क्या है, पराक्रमी ग्रह नहीं है, बुध तो माइंड से चलने वाला ग्रह है, और यहां पर जिस पराक्रम की बात होती है वहां के मालिक कौन है, मंगल। देखिए आठ नंबर लिखा हुआ है, आठ नंबर का मालिक, इनकी दृष्टि कहां जा रही है, शुक्र के हाउस पर जा रही है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा पराक्रम का ये मालिक होता है ये भवन, और दूसरा क्या है, हमारे छोटे बहन भाइयों का भी घर होता है, तो वहां पर मंगल वाला प्रभाव, मतलब छोटे बहन भाइयों से झगड़ा, इस टाइप की बातचीत रहती है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, वीडियो को तुरंत लाइक करना होगा। अब क्या है कि यहां पर जब बुध आते हैं तो ये मालिक है बुद्धि के, आप बहुत ध्यान से समझिए,
और इनके पास जो पावर है वो यहां पर राशि किसकी है, मंगल की। अब ये दोनों आपस में बिल्कुल भी मित्र नहीं है, तो सबसे पहले तो छोटे बहन भाइयों से झगड़ा बिल्कुल ना करें। दूसरी बात मैं आपको जो मेन यह बताने जा रहा हूं, यहां पर बुध आने के बाद क्या सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, और अभी आपका भाई ये कहता है या आपका दोस्त कहता है कि भाई मुझे जो है ना किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें बड़ा प्रॉफिट होगा, तो तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे दो। लेकिन अभी यहां क्या है कि इन्होंने अपनी मेहनत, अपने पराक्रम, अपनी बुद्धि से किसी प्रकार से ये 10 लाख रुपए अपने किसी बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इकट्ठा किया है, या आप करिए सेव किया है, बचाया है, बचत की है। अब ये लोग यहां पर जब थर्ड हाउस में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब थर्ड हाउस में यह बुध आ जाते हैं तो क्या सोचते हैं लोग कि चलो ठीक है ये 10 लाख रुपए तो मैं अपने भाई को दे रहा हूं या अपने फ्रेंड को दे रहा हूं या जिससे भी ये जुड़े हुए हैं, जो इनसे मांग रहा है ये पैसा, तो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा ना करके उसके काम में ये पैसा लगा देते हैं और उसमें क्या होता है इनको रिटर्न बिल्कुल भी नहीं मिलता। बाद में जब काफी समय निकल जाता है तब इन लोगों को ये बात आती है समझ में कि काश मैंने उस समय ये पैसा इनको ना दिया होता, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपना पैसा लगाया होता। तो देखिए थर्ड हाउस में दो तरीके की एनर्जी वर्क करती है, एक क्या बुद्धि की, जिसकी ये मालिक है, जिस बोलने का ढंग किसका है बुध का है, बोलने की वाणी किसकी है बुध की है, लेकिन वहां पर जो मंगल की ऊर्जा है इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, मतलब सोचने समझने की क्षमता को कौन खत्म कर देता है, ताकत खत्म कर देती है। तो जब थर्ड हाउस में बुध आएंगे तो आप लोगों को यह जरूर सोचना है या समझना है कि हम किसी के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे, जो बात हमें करनी है जीवन में या जो सपना हमने अपना साकार करना है हमें अपना पैसा वहां लगाना है, अपनी बुद्धि भी वहां लगानी है, किसी की बातों में नहीं आना। तो ये चीज थर्ड हाउस की सबसे इंपॉर्टेंट है कन्या लग्न की कुंडली में, अगर बुध थर्ड हाउस में आते हैं तो। देखिए नेक्स्ट चर्चा मैं आपसे करूंगा कि जब बुध हमारे फोर्थ हाउस में आते हैं तो क्या करते हैं, मतलब जब लग्न के स्वामी का संबंध, मतलब जब लग्नेश हमारे फोर्थ हाउस में आते हैं तो फोर्थ हाउस क्या होता है, हमारे वाहन का होता है, हमारी माता का होता है, और मेन चीज कहिए गाड़ी वगैरह जितने भी भौतिक प्रकार के सुख है, जो भौतिक सुखों का हाउस है, और यहां पर बुध आ जाते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इनकी जो माता श्री होंगी, मतलब जो इनकी माता होंगी वो बहुत बुद्धिमान होंगी, क्योंकि देखिए 9 नंबर लिखा हुआ है, और जो इनको संस्कार दिए जाएंगे, मतलब यहां पर जब बुध आएंगे और जब ये बच्चे की कंडीशन में होते हैं तो इनको संस्कार बहुत हाई लेवल के दिए जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि जो 9 नंबर है मतलब वो एक तरीके का टीचर है, तो जब भी वो किसी को ट्रेंड करेगा तो वो अच्छे संस्कार वाली मां इनकी होंगी, इनके संस्कार बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते चले जाते हैं क्या होता है कि इनके संबंध अपनी माता जी से ज्यादा अच्छे नहीं रहते, उसका कारण क्या है। देखिए ये जो लग्न है ना, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मैच्योर लग्न है, मैच्योर बुध है, मतलब यहां ये सारी चीजें बुद्धि से सोचते हैं, और यहां मां के जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं, हृदय से सोचने वाले होते हैं। अब ये जो इनकी मदर है इनको पूरा सपोर्ट भी करने को तैयार होती है, लेकिन क्या है कि बुद्धि जब इनकी चलती है तो क्या करते हैं कि मैं अपना काम खुद करूंगा, मैं अपने बिजनेस के डिसीजंस खुद लूंगा। बहुत अच्छी बात है, जब आप बड़े होते हो तो ये सारे कार्य करते हो, लेकिन इनके पास पैसे की कमी होना शुरू हो जाता है, कैश इन हैंड इनके पास ज्यादा नहीं होता, मदर इनको सपोर्ट करती हैं लेकिन वो पैसा भी ये अपने स्वाभिमान के कारण उनसे नहीं लेते, तो ये यहां पर इनकी दिक्कत की निशानी है। अगर ये अपनी मम्मी के पैसों को भी अगर अपना पैसा समझते हैं तो क्या है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन यहां पर इनकी ईगो आ जाती है। देखिए ये बुद्धि है, अगर इसको हमारे अंदर ईगो या घमंड आ गया किसी प्रकार का तो यहां पर वर्क बहुत अच्छा नहीं करते, तो इनसे इनका मन भी खराब रहता है, क्योंकि ये हाउस हमारे मन का भी है, तो यहां मन खराब होगा। फिर इन लोगों को केवल मैं एक सजेशन दूंगा
कि अगर मान लीजिए आपको अपनी माताजी की हेल्प नहीं भी लेनी है तो काम किसके ऊपर करना है, खुद अपने ऊपर आपको काम करना होगा और जो आपके अंदर हिडन टैलेंट है उसको विकसित करके आप 10th हाउस से पैसा कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी निगाह कहां जा रही है, 10th हाउस में जा रही है, तो आपका वो रास्ता खुलेगा। लेकिन दो रास्ते हैं इसके, या तो माताजी से आप हेल्प लीजिए या फिर अपने ही किसी टैलेंट पे जो आपका हिडन टैलेंट है उसको विकसित करने में समय लगाइए। तो देखिए ये 4th हाउस की बात हो गई। अब जिन लोगों का 4th हाउस है वो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा जब लग्नेश का संबंध 5th हाउस से बनता है तो क्या होता है। देखिए अब आप इसको समझो कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि जो लग्न है, जो लग्न मतलब हम खुद, तो हमारे दो दोस्त होते हैं, लग्न के दो मेन दोस्त होते हैं, 5वां भवन और एक हमारा 9वां भवन। अब देखिए जब हमारे 5वें भवन पर नंबर कौन सा पड़ा हुआ है, शनि का नंबर पड़ा हुआ, और ये हाउस किस चीज का होता है, ये हाउस हमारी बुद्धिमत्ता का होता है, ये हाउस हमारे इस मतलब बच्चों का होता है, और ये हमारी हेल्थ का हाउस होता है, इस बड़े बड़े सपने देखने का ये भी हाउस होता है, मतलब यह इच्छाएं होती हैं। अब आप इस चीज को समझो जब बुध यहां पर आते हैं तो इस तरीके के व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाते हैं, मतलब ये हमारी मेन चीज है हमारी बुद्धिमत्ता का। और उसी घर में जब बुध आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। पहले तो आप ये समझिए इन लोगों का जो प्रेडिक्शन है बहुत ही शानदार होता है। दूसरी बात यह कि अकाउंट्स का भी ये मालिक है, आप ये समझिए इनका जो ऑब्जर्वेशन है अकाउंट्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर या अपने टैलेंट्स को लेकर, यहां पर ये बहुत ही शानदार असर देते हैं। पैसों की इनके पास कभी कोई कमी नहीं होती, लेकिन इनके जो बच्चों का स्वभाव होगा वो कैसा होगा, शनि के प्रकार का होगा, मतलब थोड़ा सा ढीट टाइप के बच्चे होंगे, मतलब इनकी जैसे कोई बातचीत करेंगे या कुछ करेंगे तो वो पलट के जवाब देने वाले भी होते हैं। अब यहां पर क्या कहा जाता है कि जब बुध यहां आते हैं तो बुध तो पहले भी बहुत ज्यादा कलाकार ग्रह है, मतलब माइंडेड है, माइंड से चलने वाले, वो अपने रूप को बदल लेता है। तो जब भी आप अपने बच्चों का ऐसा व्यवहार देखते हैं तो क्या करोगे, आप पोलाइट हो जाइए और उनको आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए यहां क्या है कि जब बुध आएंगे तो उनका संबंध कहां से बन रहा है, लाभ भवन से बन रहा है, तो इन लोगों के पास कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं होती, नए नए आइडिया इनके पास आते रहते हैं। अगर ये किसी अच्छे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होंगे तो बस एक ही छोटी सी नेगेटिविटी की निशानी है कि जो इनसे नीचे काम करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा, नीचे काम करने वाला बहुत नीचे वाला, मतलब वो गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होगा, वो ये जैसे अपना अपने साथ कोई व्यक्ति रख लेते हैं ना कि हम तुम्हें इतने रुपए महीना देंगे आप हमारे साथ काम करो, तो इस टाइप का व्यक्ति इनकी इनकम पर बहुत ज्यादा दृष्टि रखेगा और कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, किसी बड़े अधिकारी से इनकी कंप्लेंट भी कर सकता है। इसलिए यहां पर जब बुध आते हैं तो एक बात का आप लोगों को ख्याल रखना है कि जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं वो थोड़े आपके विश्वासपात्र होने चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा आरोप प्रत्यारोप लगने की भी संभावना बन जाती है। तो देखिए ये हो गया हमारा 5th हाउस का। तो जिन लोगों का बुध कन्या लग्न वालों का 5th हाउस में, एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए मैं आपसे बात करूंगा कि जब बुध 6th हाउस में आते हैं, मतलब लग्नेश हमारे कहां आए, 6th हाउस में, तो देखिए 6th हाउस हमारा किस चीज का है, जॉब का है, रोग ऋण शत्रु का है, तो जब इनका संबंध यहां बनता है तो ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे हमारी कभी कभी आप देखोगे जब बुध 6th हाउस वालों की कमर में दर्द रहने लगेगा, उनकी नसों में दर्द रहने लगेगा, क्यों, हां मैंने आपको एक बात यह भी बताई, अभी नहीं बताई, कि बुध जो हमारे शरीर में नसें हैं उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर एक छोटा सा आप देखोगे जैसे लगातार आपका बैठने का कोई काम है तो आपकी कमर वगैरह में दर्द, तो एक्सरसाइज जरूर कीजिए, क्योंकि ये क्या करेगा, धीरे धीरे आपके दर्द को बढ़ाता चला जाएगा। तो ये चीज एक तो यहां ये आ गई, दूसरी बात बुध की निगाह जा रही है आपके कहां पर, 12th हाउस में, तो ये खर्चा कहां कराते हैं, बीमारी वगैरह पर खर्चा कराते हैं। वैसे जब यहां पर बुध आते हैं 6th हाउस में तो आप इस बात को भी मान के चलिए कि आपके जो मतलब शत्रु लोग जो होंगे, अब देखिए क्या नंबर लिखा है, 11 अंक लिखा है, मतलब उनका जो दायरा होगा, उनकी जो सोच होगी वो बहुत घटिया क्वालिटी की होगी, मतलब जिस लेवल पर
आप लोगों की सोच है हमेशा बड़ा करना, बड़ा सोचना, क्योंकि आप कौन है, कन्या लग्न के लोग हैं, आपका जो दायरा है, आपकी जो सोच है वो बहुत एकदम एडवांस सोच है, हर चीज का एकदम अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देना, इस तरीके का आपका माइंड है। लेकिन आपको आपके जो शत्रु होंगे ना, उनका शत्रु भाव किस प्रकार का होगा, जैसे बुध वाले लोग तो अपने माइंड से लड़ते हैं, वो हाथ पैरों से भी लड़ने गए, और उनका जो सोचने का नजरिया है वो भी थोड़ा निम्न क्वालिटी का, मतलब थोड़ा नीचे वाली क्वालिटी का होगा। तो यहां पर आपको थोड़ा कॉन्शियस होकर चलना है। तो छठे जिनका सिक्स हाउस में सिक्स भाव में आया है वो भी लाइक कीजिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं देखिए सातवें भवन की ओर, और सातवें भवन क्या कहता है बुध का, देखिए यहां पर बुध की एनर्जी सबसे लो एनर्जी है, पूरी पूरी की पूरी कुंडली में अगर बुध की एनर्जी कम है तो वो कौन सा है, सेवेंथ भाव में है। और सातवां भाव हमारा किस चीज का होता है, हमारी स्पाउस का होता है। तो आपकी जो स्पाउस होगी वो किस प्रकार की होगी, टीचर वाली नेचर की होगी, क्योंकि ये भी क्या है, किसकी राशि है, हमारी गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। अच्छी काउंसलर होंगी, बातचीत करने में बहुत अच्छी होंगी, वो सारी बात ठीक है, लेकिन आपके रिलेशन उनसे बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा की कमी है। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस चलता है हमारी एनर्जी से, आप बात को समझ गए होंगे कि झगड़े का मेन कारण क्या होता है। तो यहां पर बुध आने के बाद आपकी पार्टनरशिप में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। दृष्टि हमारी कहां जा रही है, दृष्टि हमारी लग्न लग्न पर जा रही है, मतलब खुद पर। तो अपने लिए विचार करने वाले होंगे ये लोग, माइंड से सोचने वाले लोग होते हैं, और यहां पर इनकी जो वाइफ है वो हार्ट से सोचने वाली होती है, दोनों के विचार नहीं मिलते, और एनर्जी लेवल बुध की यहां डाउन होती होती है। तो क्या होता है कि परिवार का जो मेन सुख है वो यहां पर वंचित होते हैं, इसलिए लड़ाई का मेन कारण यही होता है। दूसरी बात मैं आपसे करूंगा इनके बिजनेस की, अगर यहां पर बुध की पोजीशन आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहां पैसे की कोई कमी नहीं होती। ये चीज आपको पकड़नी है कि यहां पर बुध बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हो गया सेवेंथ हाउस का, तो एक लाइक बनता है, आप लोग कीजिए। सेवेंथ हाउस के बाद हम लोग चर्चा करेंगे आपसे, जब हमारा लग्नेश एट्थ हाउस में आ जाते हैं तो क्या प्रभाव डालेंगे। देखिए जब लग्नेश एट्थ हाउस में आते हैं और राशि किसकी है, मंगल की राशि है, तो देखिए यहां पर दंगल वाली संभावना है, मतलब यहां पर जो आपका मेन उद्देश्य है, आपको बड़ा दिमाग से काम करना है, और आपकी जो वाणी है, बुध की वाणी क्या होती है, व्यंग्यात्मक वाणी भी होती है। जैसे आप किसी की हंसी भी उड़ाओगे तो इस लेवल की उड़ाओगे कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगी और पड़ोसी जो है वो हंसने लगेंगे। अगर आप चार दोस्तों में खड़े हो तो जिसकी आप हंसी उड़ाते हो तो वो तो अभी समझ नहीं पाया, लेकिन बाकी दो दोस्त समझ गए कि इसने क्या कहा। तो इस तरीके से जिसके लिए आपने इस व्यंग्यात्मक शैली का इस्तेमाल किया वो आपका परमानेंट शत्रु बनता है। इसलिए मैं लगातार आपसे कहता हूं कि जो आठवें हाउस में है बुध के दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, मतलब और ये दुश्मन भी किस तरीके के हैं, मार धाड़ करने वाले। तो और आपका जो माइंड है वो क्या है, माइंड से चलने वाले लोग हैं आप, इसलिए यहां पर आपको एक ही प्रिकॉशन में कहता हूं कि आप लोग अपनी वाणी का उपयोग अच्छे ढंग से कीजिए, मतलब सामने वाले को आपकी बात चुभे ना, तो यहां पर बुध आपका अच्छा प्रभाव देंगे। अन्यथा क्या होगा कि यहां पर इस तरीके के भी झगड़े हो जाते हैं कि वो कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद आपकी दृष्टि कहां जा रही है, सेकंड भाव पर। देखिए अगर आप बुध की ताकत को माइंड से इस्तेमाल करेंगे, बुध की ताकत कौन सी ताकत, बोलने की ताकत, किसी की हंसी अगर आप नहीं उड़ाते हैं तो यहां एर्थ हाउस का बुध की दृष्टि कहां जाती है, आपके बैंक वाले मतलब पैसे वाले भवन की ओर जाती है। तो ये एक पॉजिटिव की निशानी है, यहां पर हुआ बुध आपको पैसा बहुत अच्छा देता है। तो एक लाइक आठवें भवन वालों के लिए भी बनता है। अब देखिए बात करते हैं हम आपसे, जब आपका बुध नाइन्थ भाव में आ जाते हैं तो देखिए नाइन्थ भाव मैंने आपको बताया कि पांचवा और नवा हमारा किस चीज का है, हमारे मित्र का हाउस है, और मित्र भी यहां कौन बैठे हैं, राशि कौन सी है, शुक्र की। तो यहां पर बुध की दोस्त बैठे हो, ये राशि है, ऐसा व्यक्ति अपने पिता के लिए बहुत भाग्यशाली होता है। इसके अतिरिक्त जितनी भी प्रकार की चीजें बुध की जो हमें भाग्य से प्राप्त होनी है वो प्राप्त होती है, और सीधा संबंध कहां जा रहा है, थर्ड हाउस पर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बुध जो वाणी का कारक है,
थर्ड हाउस को देख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप अपने थर्ड हाउस के काम को करना शुरू कीजिए, उसको एक्टिवेट कीजिए। तो यहां पर बैठा हुआ बुध आपके थर्ड हाउस से संबंधित कितने का, देखो आप लेखन का काम कर सकते हो, आप एक अच्छे वकील हो सकते हो, और आप जितनी भी प्रकार की ये मीडिया आप देख रहे हो, यूट्यूब है या फेसबुक है, जहां भी आपको अपने विचार रखने हैं उस मंच का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर आपके भाग्य में वृद्धि करने के लिए यहां बुध आए हैं, और यहां पर जब बुध आते हैं तो देखिए भाग्य के साथ साथ आपका मन हर समय प्रसन्न रहता है, एक इस तरीके की बातचीत भी यहां होती है। लेकिन आपके लिए कहा क्या जाता है, थर्ड हाउस से संबंधित कार्य को एक्टिवेट कीजिए। तो देखिए अब आप लाइक करते चलिए जिसका जो आ रहा है। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे, जब दसवें भवन में मतलब हमारे कार्य क्षेत्र में बुध आ जाते हैं। अब ये बुध की अपनी राशि है और लग्नेश ये, मतलब आप समझिए ये दो हाउस इनके बुध के अंडर में ही है इस कुंडली में, क्योंकि ये 6 नंबर की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली। अब जब बुध अपने ही हाउस में आते हैं तो बुध क्या है, बुध है एजेंट, किस चीज का, दो लोगों के बीच में बातचीत कराने का, किसी भी कार्य को बहुत आगे ले जाने का। मतलब मार्केटिंग से आप जुड़े हुए हो, आपकी कोई इस तरीके की फील्ड है जहां पर बोलने का काम होता, जहां पर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो। तो यहां 10th हाउस में जब बुध आते हैं, मतलब 10वें भवन में जब बुध आते हैं, तो साहब पैसा तो आप बातों से कमा लोगे, आपके मन में जो विचार आते हैं, जो भी तरीके के आइडिया आप आते हैं, अगर आप उसे कामयाब ढंग से रखते हो सामने वाले के, तो वो कार्य आपका होना शुरू हो जाता है। दो लोगों के बीच में मध्यस्थता आप बहुत अच्छे ढंग से करते हो, बुध की अपनी राशि में है, तो जो मर्जी आप चीज को आराम से बेच सकते हो, आप इस चीज को बात हो। मतलब यहां पर आपको केवल क्या है, ट्रेडिंग की तरफ ध्यान देना है। अगर आप बिजनेस में है तो ट्रेडिंग, कोई सामान आप खरीदिए, अपना मार्जिन रखिए, उसको आगे बेच दीजिए। तो यहां पर जो बुध का प्लेसमेंट है, बेस्ट प्लेसमेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 11वें भवन की तरफ, और 11वें भवन हमारा किस चीज का है, लाभ भवन है, और मालिक कौन है इस भवन के, चंद्रमा, और बैठे कौन है, बुध। देखिए चंद्रमा और बुध दोनों की आपस में कोई भी दोस्ती नहीं है, और जब आप 11th हाउस की बातचीत करते हैं और बुध यहां आता है तो क्या होता है, 11th हाउस लाभ का भवन है। चंद्रमा इमोशनल ग्रह है, बुध क्या है, माइंड से चलने वाला ग्रह है। तो आप एक बात तो समझ के चलेंगे कि अब इनका संबंध किससे बनता है, चंद्रमा से। अब चंद्रमा के हिसाब से आप थोड़ा सोच के चलिए, आपके डिसीजंस इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन बुद्धि से सोचने वाला व्यक्ति यदि इमोशनल होके वर्क करेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। तो यहां पर एक थोड़ा सा दिक्कत क्या महसूस होती है, ये महसूस होती है कि आप सोचते बहुत अच्छा हो लेकिन उसको काम को करते नहीं। करते क्यों नहीं, क्योंकि आपका जो यहां राशि से एनर्जी आ रही है वो क्या आती है, इमोशनल एनर्जी आती है, जिस जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर आप अपने डिसीजन को दोबारा देखते हो, तिवारा देखते हो। तो यहां पर क्या होता है, आप उतना प्रॉफिट नहीं गेन कर पाते जितना कि आपने सोचा है कि मैं इस चीज से इतना पैसा बना लूंगा। तो यहां पर आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, और जो प्लान आप बनाते हो, जो चीज आप सोचते हो, उसको करो आप, मेन चीज ये, तब आपको वो प्रॉफिट मिलेगा। और इसका संबंध कहां से बनता है, हमारे 5th हाउस से बन रहा है, और वो हाउस किस चीज का है, बुद्धिमत्ता का हाउस है। तो मैं आपसे लगातार कह रहा हूं बुद्धि आपकी बहुत अच्छी है, बस केवल चंद्रमा वाली वो जो इमोशन वाली एनर्जी है उसको हावी मत होने दीजिए। बाकी यहां पर आपको प्रॉफिट उतना नहीं मिलता जितने की आप कल्पना करते हो या जितने के आप योग्य हो। तो यहां पर सही सही प्लेसमेंट है। अब जिनका 11th हाउस में बुध है वो भी लोग लाइक करें, उनको ये बात पता चली। अब देखिए बात करते हैं हम अपने 12th हाउस में जब बुध आ जाते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, खर्चे का भवन है, खर्चे के भवन है, और मालिक किसके हैं, राशि किसकी है, सूर्य की राशि, इनकी मित्र की राशि है। अब लग्नेश का मतलब लग्न का जो लग्नेश है उनका संबंध किससे बनता है, 12th हाउस से बनता है। तो सबसे पहले तो ये हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, मतलब फिजिकल हेल्थ हमारा जो लग्न क्या है, हम स्वयं, तो एक तो उसको उसमें थोड़ा सा बीमारियां वगैरह करते हैं। और इनकी बीमारियां किस प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया नसों से संबंधित बीमारियां होती हैं, ओवर थिंकिंग मतलब बहुत ज्यादा सोचना,
जब बुध हमारा 12th हाउस में आते हैं तो ये लोग बहुत ज्यादा सोचने वाले हो जाते हैं, मतलब केवल जैसे कहते हैं ना कागज पे ही सोचते रहे और काम कुछ नहीं करा। तो जब हम किसी भी चीज को केवल सोचते ज्यादा रहते हैं और वर्क नहीं करते तो अभी दिक्कत। और फिर 12th हाउस, ये अब ये जो बुद्धदेव महाराज हैं वो किस चीज के अकाउंट्स के मास्टर हैं, और इनको आपने कहां बैठा दिया, इनको आपने बैठा दिया खर्चे वाले भवन। तो ये जो व्यक्ति पैसा कमाने वाला है आपने उसे खर्चे वाला भवन में बैठा दिया। तो वहां पर क्या होता है कि हर समय एक ही चीज सोचते रहते हैं, बताओ इतना पैसा इस चीज पे खर्च करते हैं लोग, इस तरीके की इनकी मेंटेलिटी बनती है। अब इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, बुद्ध जब यहां पर बैठते हैं और देख कहां रहे हैं, हमारे 6th हाउस को देख रहे हैं। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये जॉब से पैसा कमाते हैं, अभी तक मैंने आपको सारा बुध किस चीज से बताया, बिजनेस से बताया, अगर ये अपनी जॉब अपनी सेवाओं से पैसा कमाते हैं तो ये बुध यहां पर इनको कभी खर्चे के बारे में सोचने भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इनको पैसे का रिटर्न बहुत अच्छा होता है। आपको जब 12th हाउस में बुध आए दो चीजों का ख्याल रखना, एक तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर थिंकिंग से क्या होगा टेंशन होगी, टेंशन से क्या होगा बीपी बढ़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये सब बुध के लिए नॉर्मल बात है। तो आप इस बात को समझिए, जब 12th हाउस से बुध आएगा तो आपको मेडिटेशन वगैरह की तरफ जरूर ध्यान देना है, जिससे कि हमारा क्या होता है जो मेडिटेशन, जो लोग मेडिटेशन करते हैं आप ये समझ के चलिए, अगर 10 मिनट हम लोग अपने को देते हैं तो ये जो प्रॉब्लम मानसिक वाली आती है ना कि टेंशन, तो ये सब मेडिटेशन एकदम नॉर्मल कर देता है। तो इस तरीके की बातचीत हुई, जब बुध हमारा 12th हाउस में आएगा तो क्या करेगा, थोड़ा खर्चे का मालिक है, खर्चा बढ़ाता रहेगा, वो चलो ठीक है, लेकिन जब आप इसे जॉब में लगा दोगे या किसी ऐसे बिजनेस में लगा दोगे जहां की आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी और खर्चे कम, तो ये बुध को बहुत अच्छी लगेगी बात। तो यहां पर आपका सारा ध्यान कहां जाना है कि हम कुछ ऐसा करें काम, चाहे बिजनेस में जाए चाहे जॉब में जाए, ये आपकी मर्जी है, कि जिससे हमारा, जैसे वो कहते हैं ना बुध कि खर्चा तुम्हारा भाई 50,000 रुपए महीने का है, अब हम अगर आमदनी 1.5 लाख रुपए की कर ले तो बुध को यहां प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती, उनको क्या लग रहा है कि 1 लाख रुपए बच रहा है। तो ये चीज चाहते हैं बुध, ये बुध की क्या है पूरी ऊर्जा। एक छोटा सा विश्लेषण मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। देखिए अब वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।